गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड जो बड़े चेंजेस किए गए हैं हाल फिलहाल के अंदर, उन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी अगर इन बड़े बदलाव के बारे में नहीं पता है तो सारे चेंजेस के विषय में आप एक जगह पे समझ सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी और इनकम टैक्स में हुए बड़े बदलाव। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर काफी बड़े डिसीजंस लिए गए थे काउंसिल के द्वारा। उसके अंदर जो जो डिसीजंस लिए गए थे, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, और इनकम टैक्स के अंदर जो जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो चेंज है और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज, 1 सितंबर 2019 से जो लागू किया गया था कि अगर आपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से ऊपर का कैश विड्रॉ किया है तो आपका जो है 2% का टीडीएस कटेगा। उसमें काफी बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है स्पेसिफाइड पर्संस को। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है, जो अनाउंसमेंट की गई थी, उसमें ये बताया गया है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अबव ₹1 करोड़ विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर कमीशन एजेंट्स ऑन फुलफिलिंग द कंडीशंस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक कमीशन एजेंट हैं और आप स्पेसिफाइड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आपका जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा अगर आप 1 करोड़ रुपए से ऊपर का भी विड्रॉल करते हैं। क्या कंडीशंस हैं, क्या पूरी चीजें हैं, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। कंडीशंस जो है उसमें सबसे पहला ये है, जो कमीशन एजेंट है वो कैश विड्रॉ कर रहा है और कैश विड्रॉ का जो पर्पज है वो करना है पेमेंट किसी फार्मर को फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब आप किसी किसान को अगर पेमेंट करने के लिए कैश विड्रॉ करते हैं और जिस अकाउंट से आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं उस अकाउंट का नंबर और उसका पैन नंबर अपने बैंक को ऑलरेडी आपने इंटीमेट किया है एडवांस में, तब आपका टीडीएस जो है वो नहीं कटेगा। अगर आप ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको जो है एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। एग्जम्पशंस लेने के लिए ये कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। अपना बैंक अकाउंट नंबर जिससे आप इंटेंड करते हैं कि कैश विड्रॉ करेंगे वो बैंक अकाउंट नंबर अपने बैंक अकाउंट को बता दीजिए, अपने बैंक को बता दीजिए, अपना पैन नंबर दे दीजिए और अपना जो पर्पज है विड्रॉल का वो पर्पज भी आपको देना होगा एज अ एविडेंस, और बैंक उसको वेरीफाई करेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे हैं वो ट्रू है या नहीं, और उसके बाद जो एग्जम्पशन है वो आपको दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कैश विड्रॉल के अंदर 1 करोड़ रुपए से ऊपर वालों के लिए भी। अगला जो चेंज है वो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है। जीएसटी आईटीसी विल बी अवेलेबल ओनली इफ द इनवॉइसेस आर रिफ्लेक्टिंग इन जीएसटीआर 2A, दैट इज सप्लायर हैज फाइल्ड इट्स जीएसटीआर 1 ऑन टाइमली बेसिस। जी हाँ फ्रेंड्स, जो जीएसटी काउंसिल की 37th मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये एक रिकमेंडेशन के रूप में दिया गया है कि अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया तो उस इनवॉइस का क्रेडिट आप अपने जीएसटीआर 3B में क्लेम नहीं कर पाएंगे। जीएसटीआर 3B में क्लेम करने के लिए आपका जो क्रेडिट है वो तभी एक्सेप्टेबल होगा जब वो डेटा आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इससे इंपैक्ट ये पड़ने वाला है, अब अगर आपने कोई परचेज किया है उस परचेज रजिस्टर की एंट्री अगर आपके जीएसटीआर 2A में नहीं आ रही तो आपके जीएसटीआर 3B में भी क्रेडिट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या टेक्निकल प्रोसेस होगा, कैसे ये सारे सिस्टम फ्लो करेंगी, उसके लिए अभी हम लोगों को वेट करना है कि क्या इसका प्रोसेस निकल के आएगा। जहां तक मेरे को समझ आ रहा है, जो जीएसटीआर 3B का आईटीसी वाला सेक्शन है वो या तो लिंक कर दिया जाएगा आपके जीएसटीआर 2A से, जिस प्रकार आपको आपने देखा होगा जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 8 कॉलम A को लिंक किया गया था जीएसटीआर 2A से। अगर ऐसा होता है तो जो बंदा जीएसटीआर 1 टाइमली या कंप्लायंसेस टाइम पे नहीं करता है उससे बिजनेस करना धीरे धीरे जो है वो बंद कर देना होगा, नहीं तो क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। ये है वह दूसरा चेंज जो कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2A ही दिया जाना है। तीसरा है जीएसटीआर 9 मेड ऑप्शनल फॉर डीलर्स हैविंग टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19।
तीसरा अपडेट है एनुअल रिटर्न से रिलेटेड। जीएसटीआर 9 का जो एनुअल रिटर्न है जिसको कि रेगुलर डीलर्स फाइल करेंगे उनके लिए 17-18 और 18-19 दोनों ही पीरियड के लिए ऑप्शनल कर दिया गया है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए मैंडेटरी है, उससे कम है तो आपके पास ऑप्शन है। लेकिन GSTR 9A waived for all the composition taxpayers for financial year 17-18 and 18-19। लेकिन अगर आप एक composition taxpayer हैं, तो आपको GSTR 9A किसी भी सूरत में फाइल नहीं करनी है, आपके लिए वेवर दिया गया है, आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है दोनों ही साल की GSTR 9A annual return for composition taxpayers को फाइल करने के लिए। तो 9 ऑप्शनल है, 9A को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, पूरी तरीके से वेव कर दिया गया है, आपको फाइलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर थे। कुछ पीरियड के लिए कॉम्पोजिशन थे, कुछ पीरियड के लिए रेगुलर थे, तो आपको ये चीजें चेक करनी होंगी कि किस पीरियड के लिए आप लायबल हैं, किस पीरियड के लिए आप लायबल नहीं है जीएसटीआर 9 या 9A को फाइल करने के लिए। अगला जो अपडेट है वो जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड काफी बड़ा अपडेट निकल के आया है। जीएसटी न्यू रिटर्न डेट एक्सटेंडेड फ्रॉम अक्टूबर 2019 टू अप्रैल 2020। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का जो न्यू रिटर्न सिस्टम है जो 1 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट होना था फेज्ड मैनर में, उसकी डेट को एक्सटेंड करके अप्रैल 2020 तक शिफ्ट कर दिया गया है। न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर सहज रिटर्न, सुगम रिटर्न, क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न, मंथली नॉर्मल रिटर्न, अनेक्जर 1, अनेक्जर 2, ये सारी डिटेल्स हम लोगों को जानी थी, उस चीज को अब यहाँ पर कुछ दिनों के लिए और आगे बढ़ाया गया है। और अक्टूबर से लेके मार्च तक GSTR 3B और GSTR 1 जो है वो एज पर द ओल्ड रूल्स ही कंटिन्यू रहेगा। GSTR 3B एंड GSTR 1 टू बी फाइल्ड एज पर द ओल्ड रूल्स। तो जैसे हम लोग अभी GSTR 3B फाइल करते हैं, जैसे हम लोग GSTR 1 फाइल करते हैं, सिमिलर पैटर्न पे आपको जो है वो सारी चीजें फाइल करनी है। अगला अपडेट है रिफंड एप्लीकेशन से रिलेटेड, काफी बड़ा अपडेट है ये भी। नाउ जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01A फॉर अ पीरियड एंड कैटेगरी अंडर विच अ निल रिफंड एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी लोगों की ये समस्या थी कि काफी लोगों ने क्या किया था, अपना जीएसटी का जो रिफंड एप्लीकेशन है वो निल डाल दिया था, मतलब गलती से उन्होंने निल रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दिया था। अब एक बार रिफंड एप्लीकेशन फाइल हो गया किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए और उसमें सिलेक्ट हो गया निल, तो दोबारा उस रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करने का ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब जो है, अगर आपका निल फाइल हो गया है किसी भी टैक्स पीरियड का रिफंड एप्लीकेशन, तो आप उसे दोबारा से फाइल कर सकते हैं जीएसटी आरएफडी 01A के अंदर। तो अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में रिफंड बनता था लेकिन आपने पहले निल फाइल किया था, तो अब आपके पास एक और चांस है, अब आप अपनी जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन को दोबारा से फाइल कर लीजिए। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो कि किए गए हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट है समझ लेना। इसके अलावा जीएसटी का जो सिंगल विंडो क्लियरेंस रिफंड सिस्टम था वो भी 24/9/2019 से इंप्लीमेंट कर दिया गया है, रूल्स नोटिफाई कर दिए गए हैं अकॉर्डिंगली, तो अब आपका जो रिफंड है वो एक जगह से ही रिलीज किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर जो बड़े चेंजेस, जो बड़ी राहत दी गई है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे हम लोगों को आगे जो है काम करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।